सीपीएस रामकिशन फौजी का पुतला फूंका गया। पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी का पुतला फूंका जा रहा है। भवानी खेड़ा के अंदर बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई अब टिप्पणी की है। माफी मांगो, रामकिशन फौजी अपने बयान पे माफी मांगो। अलका भवानी खेड़ा की पुकार, अलका भवानी खेड़ा की पुकार, रामकिशन फौजी अपने बयान पे माफी मांगो। रामकिशन फौजी अपने बयान पे माफी मांगो। एक बार भाइयों पुतला को पुतला लांग रहे हैं विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी का पुतला भवानी खेड़ा के अंदर फूंका जा रहा है। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनने कोई अभद्र टिप्पणी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ की है, जिसके खिलाफ आज भवानी खेड़ा में पूर्व विधायक पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी का पुतला फूंका गया। यहाँ पर तमाम गाँव के लोग मौजूद है जिन्होंने पुतला फूंका है और ये आरोप लगाए हैं कि पूर्व विधायक सीपीएस रामकिशन फौजी अपने दिए गए बयान पर माफी मांगे। दो चार बात लेनी थी। खेड़ा के अंदर पूर्व विधायक सीपी रामकिशन फौजी का जो पुतला फूका है, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है जी, डॉक्टर बाबा साहब है उसके बारे में इसका आप सब कहे हैं, उसके बारे में पुतला फूका जा रहा है। तो क्या कुछ शब्द कहे, कुछ याद है आप लोगों को? ना, ये नहीं पता। अच्छा, तो मतलब वैसे ही पुतला फूक दिया आपको? ना, मनना नहीं मेरा। तो बाकी अब शब्द कहे हैं भाई, आप मनना नहीं मेरा इस बात। अच्छा, क्या कहे भाई साहब, आज जो आप लोगों ने ये पूरा सीपी रामकिशन फौजी का जो पुतला फूका, ये पूरा मामला क्या है? भाई साहब, तीन बार विधायक रह चुके हैं रामकिशन फौजी, उनका पुतला इसलिए जड़ा है कि पीछे एक किसानों के धरने पर दौरान पूर्व विधायक रामकिशन फौजी ने बहुजन समाज के लिए प्रतिबंधित शब्दों का इस्तेमाल कराया, जिसके लिए क्षमा भी नहीं मांगना कोई जरूरी समझा इन्होंने।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी भी बाबा साहब कह के संबोधित करते हैं, और पूर्व विधायक राम किशन फौजी कह रहे हैं कि एक मारा भाई अम्बेडकर होया करता, एक मारा भाई बाबा साहब, इतने बड़े काम कर दिए कि एक महापुरुष के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं, तो इन्होंने अपने शब्द वापिस नहीं लिए, बयान पर माफी नहीं मांगी, हम इनका सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। और अलका भवानी खेड़ा से हर गांव हर रोज इसका विरोध प्रदर्शन ये भवानी खेड़ा में चला है, हर रोज हर गांव में ये कराया जाएगा विरोध प्रदर्शन, जब तक अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। और बलियाली गांव से हर मोहल्ले से 5 आदमी आ रहे हैं, हर मोहल्ले से 5 आदमी आ रहे हैं बलियाली गाँव से सामाजिक बहिष्कार कराना। मतलब सामाजिक बहिष्कार आप मतलब पूरे गांव की सहमति से कर रहे हो या अपने समाज की तरफ से कर रहे हो आप लोग? पत्रकार महोदय जी, पांचा की पंचायत हो और हर मोहल्ले से 5 आदमी आ रहे हैं तो वो पूरे गांव की तरफ से ही हो गया। आज भवानी खेड़ा के अंदर जो पूर्व सीपीएस हैं, 3 बार के विधायक रहे, रामकिशन फौजी का पुतला फूका गया, क्या उन्होंने जो शब्द कहे हैं, अगर ये शब्द कोई जनरल कम्युनिटी का आदमी कहता तो क्या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। तो फिर आज आप लोगों ने जो ये प्रदर्शन किया और पुतला फूका, ये पूरा मामला क्या क्या वो शब्द थे कि आप लोगों को इकट्ठा होकर पुतला फूकना पड़ा? पुतला फूका ये इसलिए उसका बहिष्कार किया गया है कि उन्होंने मतलब एक फरवरी 1982 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस शब्द पे, हरिजन शब्द पे बैन लगा दिया कि भैया हम किसी को हरिजन नहीं कह सकते, लेकिन वो फिर भी इस पे मतलब हरिजन कह के अपने आप को ही बोल रहा है। तो अगर हमारा ही समाज अगर ऐसे बोलेगा तो हम दूसरे समाज को कैसे रोक पाएंगे? तो हमारे समाज में कोई भी नेता है, ये नहीं कि रामकिशन फौजी, अगर और भी कोई नेता है अगर प्रतिबंधित शब्द का अगर इस्तेमाल करता तो हम उसका भी बहिष्कार करें। तो आज आप लोगों ने पुतला फूका है, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? रणनीति यही है कि हमारा मतलब समाज का मतलब आदर सम्मान से नाम लिया जाए, हरिजन शब्द और एक बाबा साहब को भाई कह के बोल रहे, बताया वो टिकडाना में बाबा साहब को भाई कह रहे हैं जबकि सारी दुनिया उनको बाबा साहब के नाम से पुकारती है और वो भाई कह के बोल रहे हैं, तो ये भी मतलब सम्मानित शब्द नहीं है उनके लिए, इसलिए भी बहिष्कार किया गया। प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, तमाम जोन कोऑर्डिनेटर जिम्मेवारियों पर रहा हूँ और आज मतलब वास्तव में पूरे महफिल मैंने ये आदमी है जिससे मैं बात कर पाऊँगा, तो बताएं बात तो नहीं, नहीं नहीं वास्तव है कि कैमरे कागज देते कितने सारे छड़के हैं बोलना कोई कौन था, लेकिन यह कि अब मजा होगा व्यक्ति को सब बात करते हुए, क्योंकि थोड़ी बात ये भी दूंगा मैं। पत्रकार महोदय जी, ऐसा है कि यह देश भारत के संविधान से चलता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जितना पढ़ा लिखा विद्वान आज भी पूरी दुनिया में, ये भारत के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए भी गौरव की बात है। और जिस शब्द को लेकर भारत के संविधान उस शब्द को बैन कर रहा है और जिस शब्द की जितनी मैं मतलब डिटेल में जाऊंगा तो आपको भी उसकी जानकारी नहीं होगी कि कितना गंदा शब्द है, मोटा मोटी शब्दों में ये हरिजन कहना और राम की औलाद कहना इक्वल है, आप इसमें समझिए। और जो व्यक्ति इस भारत के संविधान की ओथ लेकर के 3 बार विधायक रहा, सीपीएस रहा और कांग्रेस पार्टी का लीडर है, तो ये कांग्रेस की उत्पत्ति इन्होंने ये शब्द पे, इसका मतलब इनकी देन है हरिजन शब्द। आज भी ये जो इस गाड़ी से इस समाज को देख रहे हैं तो इसके ऊपर बैन होना चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जितनी निंदा इसकी की जाए उतना कम है। हमारी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो किसी पत्रकार आप जैसे साथी को नहीं पता था, आज ये ठीक है हमारे समाज का है रामकिशन, लेकिन यहाँ जात नहीं जमात बनानी पड़ेगी, जब हम एक नहीं होंगे जब तक बात नहीं बनेगी, इस व्यक्ति के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। एकता की कमजोरी कड़ी क्या मानते हैं भाई आप? एकता कमजोर कहाँ पे दिखती है आपको? देश के जो दिग्गज राजनेता लोग हैं जाति उनके द्वारा फैलाई गई है, हम तो शुरू से कह रहे हैं जात नहीं जमात बढ़ाओ, लोकतंत्र को आप मजबूत करो, भारत के संविधान को सकूलों के अंगीकार। जो नेता थे समाज ने वही नेता तो आज से वही दौर ले कह रहे, और क्या बोले आपने बताया इसका अरिजना से उल्टा समझे आराम की आराम क्यों लागे, तो जो नेता बने वो आराम क्यों कौन लागे कहने लागे? जिनको जिनको आप ये बताओ ना हरिजन शब्द का आप डिटेल निकाल लो, आपको पता लग जाएगा क्या है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्यों इसमें बैन लगाए, क्यों हम इसके खिलाफ हमेशा एक्शन लेते हैं? अगर कोई अपर कास्ट का व्यक्ति करे तो हम रोड पर उतर के उसके खिलाफ मुर्दाबाद करें। इसका तो मैं बहुत बैठा हूँ, तो फिर आई बात
मतलब रहा कि तो आपने ज्यादा इसका ये चीज का साथ देना चाहिए के गुजरे या मैंने एक बार पहला युद्ध कर रहा था मैं आज जिक्र करूं मुझे उस टाइम नहीं पता था जाति पति क्यों हुआ है लेकिन आज का दौर को देख के मुझे पता चला कि जाति क्यों हुआ है कि उस टाइम कोई फौजी आदमी मैंने पानी पिया था और बच्चा ने समझा वो पानी पे जल दे दिया मैं बोला मैंने पानी पे मैंने पानी पीना है तो मैंने ओख कर ले वह ओख है वह आज भी दिल के अंदर वालू है कि वो ओख क्या नाम की थी हम सारे एक थे उसी बात फैला थे लेकिन वह ओक थी तो एक समझ में ओक इसलिए थी लेकिन वो नेता कैसे हैं जो ओक खुद ओक उनका ओक मजबूर करा है ऐसे ऐसे दाल रोटी चल रही है ना इनकी जिस दिन देश के अंदर जाति खत्म हो जाएगी और जमात बन जाएगी तो जिस तरह अमेरिका ने तरक्की करी उस तरह भारत कर लेगा वहाँ भी तो गोरे काले की लड़ाई थी गोरों ने सार्वजनिक माफ़ी मांगी कालों से क्यों ना हम मिल के देश बनाए उन्होंने बना लिया वहाँ तो आपको पता बराक ओबामा भी दो बार राष्ट्रपति रह चुके तो यहाँ तो जाति के नाम पे टिकते हैं जाति के नाम पर सारा ड्रामा और इस तरह के सीरी पैदा किए जाते हैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे ये हो चाहे रामकृष्ण फौजी हो चाहे वो विशंबर वाल्मीकि हो वो उसको 15 अगस्त पर भिवाणी में आपको पता है आप तो पत्रकार हैं 15 अगस्त पर जिस व्यक्ति को कुर्सी से उठा दिया जाए एक नुमाइंदे को ये जाति कास्टिज्म जो है ना वो बहुत इतना जल्दी नहीं जाएगा इंसान बाद में जन्म लेता जाति जल्दी क्योंकि स्टंट ऊपर वाले नहीं जा रहे यहाँ तो जाति के नाम पर सब कुछ चल रहा है और भारत के संविधान का जब आप पढ़ लेंगे आप अपने घर में उसके संविधान की कॉपियाँ देंगे स्कूल में देंगे तो सार्वजनिक रूप से देश के अंदर आज आवाज़ भी शुरू है बड़े बड़े विद्वान लोग बात कर रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो कहाँ देश का संविधान लागू पूर्ण रूप से लोगों को जानकारी उसकी दो आप फुलाना बाबा आज वहाँ चमत्कार कर रहे हैं वो कर रहे हैं वो तो चलता है लेकिन संविधान के बारे में कितने लोग जानते हैं आज भी मेरे भाई मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल एक ये नहीं है कि ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि जिस समाज में जिस बाबा साहब की बदौलत ये रिजर्व जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया और जिस शब्द का बाबा साहब ने जिस स्वाभिमान के लिए हम लोगों को स्वाभिमान पर अपने पैरों पर खड़े करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक हमें इतना बड़ा वो दिया हमारे महापुरुषों का इतिहास बता इसको कुछ नहीं पता चाहे वो विशंबर हो चाहे ये हो दोनों एक ही तो मान सकते हैं कि भाई इन नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है हल्के से बहुजन ग्रुप में एससी ग्रुप में या अपने समाज देखिए जो जो बहुजन समाज जागेगा तब तक चोर लुटेरा भागेगा इस तरह के जो लोग ये सोचे ना कि हम उड़ जाओ ना यार मैं उड़ जाएगा सवाल ना अब बहुजन समाज के हो 40% आप पूरे देश के अंदर गैदरिंग है उस तो ऊपर की गैदरिंग है लेकिन फिर भी आप लोगों की आवाज़ कमजोर है मजबूत को नहीं हो पा हर बार ये रोड़ा रो रहा है ऐसा है एक बात आप बताइए मेरे को हम कमज़ोर कैसे हैं कमज़ोर किसने बनाया हमें देश के अंदर किसकी हुकूमत रही ज़्यादातर किन लोग ऐसा लगता है ना कि आपके समाज में थोड़े बड़ बैठे थोड़े क्योंकि यो महापुरुष मारा है यो पुरुष महापुरुष मारा है यो महापुरुष मारा है और महापुरुष अड़ा गया समाज किसने कहा ये बात महापुरुष तो सबके होते हैं मानिए आप उसको मानते हो ना डॉक्टर अम्बेडकर है या भगत सिंह जी हैं जिन्होंने गुरु रविदास जी हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं सब ने अपने ये लोग कहाँ हैं यार लोगों को कुआता कौन है भाई साहब गंदगी ऊपर से फैलती नीचे से नहीं आप इस बात को मान लीजिए हल्का बॉन करा गंदगी कुकर साफ करेगा ये लोग जागेंगे तो अगर आप इंटेलिजेंट व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेंगे अगर पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो डेफिनेटली वो सबके लिए काम करेगा और उसको पता है कि मैं क्या हूँ मुझे क्या समाज जागे तो बदलाव होगा जी बिल्कुल डेफिनेटली तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई इस तरह के जिन लोगों ने नुए नहीं पता कि तुम किसके हो किसकी बदौलत हो वो क्या आपका भला करेंगे मेरा तो यही कहना है कि इस शब्द के ऊपर जो इसने बोला इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए।